हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे पार्टी मना रहे हैं और हम लोग चूल्हे पर बना रहे हैं चिकन और मोटी वाली लिट्टी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है निक्की बना रही है चिकन और हम लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दादी जी, हम लोग को कल जाना है इसलिए सोचे कि चलो आज चिकन चूल्हे वाला चिकन खाते हैं, क्योंकि वहाँ तो रोज़ हम लोग गैस पे बना के खाते हैं, यहाँ पे भी गैस पे ही बनता है, बट आज सबका मन हुआ कि चूल्हे पे खाया जाए। सो यहाँ पे बन रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो तब की है जब हम लोग गांव पे थे और यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरी दादी सास यानी श्रेया की परदादी और यहाँ पे ये उसके बाल बना रही हैं। आज उन्होंने उसे बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे बाल बांधती हूँ। तो ये देखिए दादी जी, इसके बाल जो है बांध रही हैं और बोल रही है कि अगर तुम मेरे पास यहाँ पे रहती तो मैं तुम्हारे बाल जो है इस तरह से बांध बांध के बड़ा कर देती। सो मैंने ये वीडियो बना लिया कि हमेशा ये एक यादगार रहेगा कि दादी जी रहेंगी इस वीडियो में हमेशा के लिए। और फिर उन्होंने किस तरह से श्रेया को इस तरह से चोटी बनाई, ये देखिए इनकी चोटी कितनी क्यूट सी, बढ़िया सी चोटी बनी है श्रेया की। और हम लोग आइए दिखाते हैं कौन कौन बैठे हैं। ये श्रेया से हेलो हेलो, छोटी मौसी जी हेलो करिए, हेलो गाइस। और यहाँ मिलिए से गला उठाए, ये मेरा टकलू। ये टकलू बोलो। ये है दादी जी। और यहाँ पे बन रहा है चिकन बिल्कुल देसी स्टाइल में, लकड़ी के चूल्हे पे और लोहे की कढ़ाई में। असिस्टेंट ने बोला कि आज हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, तो सबने बोला कि चलो फिर चूल्हे पे बनाओ लकड़ी वाले, ताकि इसका टेस्ट और दुगना हो जाए। तो देख सकते हैं देखने में कितना यम्मी लग रहा है। और यहाँ पर दादी जी जो है चूल्हे में लकड़ी लगा रही हैं। सो आज इस पे ही बनेगा और इसके साथ देखिए कि क्या बनता है खाने के लिए, वो भी कुछ देसी ही है चिकन के साथ खाने के लिए जो बनेगा। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं पीछे साइड में, पीछे का गेट बंद करने के लिए दादी जी जा रही हैं, तो साथ में हम लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए सारे जो भी ये पेड़ लगे हुए नींबू के और पता नहीं और दो चारटे और पौधे हैं जो कि छोटे पापा जी लगाए थे, सो उनकी याद में ये हमेशा रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये दादी जो है बांध रही है, इसका जो ये बंद करने वाला है ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा इसका गेट का पल्ला, सो इसको कपड़े से बांध दिया जा रहा है ताकि कोई जानवर नहीं इधर से आ जाए, कुत्ता वगैरह। सो इस तरह से दादी जो बांध रही है, दादी को बहुत चिंता रहती है ये सब चीज़ों की। सो ये घर के बगल में ना ये पोखरा है, रात में दिखाई नहीं दे रहा है, इधर पानी वगैरह भरा हुआ है और कूड़ा हम लोग का इधर ही फेंका जाता है। तो पीछे के साइड से इधर सारे हम लोग के बागवानी है, पेड़ हैं हर चीज़ के। और ये देखिए ये इधर नए वाले बरामदे में बन रहा है, ये बाद में बना, ये नया वाला बरामदा है, इधर गाय वगैरह रहती हैं। और सामने से हम लोग का घर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और ये आगे का गेट है जो उधर दिख रहा है, तो मेरा घर का होम टूर भी हो जाएगा बाहर बाहर आप लोगों का। सो वो आगे के गेट दिख रहा है, अभी हम लोग पीछे से बंद करके आए हैं, तो मैं इस साइड से दिखा रही हूँ। देखिए साइड से ये इस तरह से बरामदा है, घर में दोनों साइड से बरामदा है इस तरह से, सामने जो गोल है वहाँ से फिर उस साइड भी बरामदा है, तो दोनों साइड से है यहाँ पे ये गांव में ऐसा होता है, बड़े बड़े बरामदे होते हैं और बरामदा बहुत ही यूज़फुल होता है। कितने लोग भी आते हैं, चाहे पार्टी फंक्शन होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपना रह लेते हैं। और आगे से ये हमारा गेट है, ये आगे इस तरह से ये जगह है, आगे द्वार बोलते हैं। और इधर सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, उस बरामदे की साइड में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए तो इधर बैठे हुए हैं। सो मैंने इधर से ये वीडियो बनाया है और ये देखिए चारों तरफ से। और ये ना दर बरामदे के गेट पे दो तीन मेरे ये मोर पंखी हैं, बहुत बड़े बड़े ये पेड़ हैं, मोर पंखी के पौधे हो गए। ये देखिए एक साइड ये है और ये दूसरी साइड भी है, और उस वाले बरामदे के साइड भी एक है इतना ही बड़ा, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पौधा।
हम लोग यहाँ बना रहे हैं, तवे पे लिट्टी सेक रहे हैं और यहाँ पे सास बहू मिलके बना रहे हैं हम लोग लिट्टी आग वाली। तो मौसी जी इसको बेल रही हैं और तवे पे सेक रही हैं, उसके बाद आग में मैं इसे अच्छे से सेक रही हूँ। ये वाली लिट्टी बहुत दिनों बाद बन रही है और काफ़ी टेस्टी होती है, एकदम मीठी मीठी सी। सो इसको हम लोग इस बना बना के रख लेंगे। और देखिए इतना बना के रख लिया गया है, एक एक करके सेका जा रहा है। और ये देखिए इधर ये पेपर के ऊपर रखा गया है, अब ऐसा लग रहा है जैसे नीचे रखा गया। और दादी जो है, दादी जी घूम घूम कर इंस्पेक्शन कर रही हैं, इधर मम्मी जी भी बैठी हुई हैं। सो आज सब लोग इधर ही हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारी लिट्टी जो है एकदम कितने अच्छे से फूल गई है, पीछे साइड से सिक गई है। और फिर इसको आगे साइड से भी ऐसे सेक लेंगे। और ये देखिए ईंटे वाले चूल्हा है जो बना था ना, सब लोग जब थे तो वो बना हुआ था, तो आज हुआ कि चलो इसी पे बना लेते हैं। और दोनों साइड से काफ़ी अच्छी लिट्टी सेक गई है। सो इस तरह से अभी आपको दिखाते हैं लास्ट में चिकन। ये चिकन कितना बढ़िया यमी बना है, इसका मैं रेसिपी वीडियो अपने दूसरे वाले चैनल पर डालूँगी अभी, तो आप लोग को अगर ये पसंद आएगा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये रियली बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बना था ये। और यहाँ पे देखिए मैं ले जाने के लिए यहाँ पे ना ये गुड़हल का पौधा है, इसको मैंने पानी में डाल दिया और इस तरह से ये जर्मिनेट हो गया। इसको मैं ले जाके वहाँ बनारस लेकर जाऊँगी लगाने के लिए। देखिए इसमें जड़ें निकल आई है, इसको काट के मैंने इसे पानी में डाल दिया था। और रेड वाला गुड़हल है, बहुत अच्छा इसमें फूल आ रहा था, सो मैंने लगा दिया है। और नीचे एक डब्बे में इस तरह से मैंने गुलाब और बाकी सारे पौधे भी लगा दिए हैं। और इस डब्बे को ऐसे ही लेके चली जाऊंगी, वहाँ ले जाने के बाद अलग अलग गमले में सबको ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इतने सारे पौधे जो है मैं लेकर जा रही हूँ। और ये देखिए संजीवनी वाला पौधा मेरा लग गया, मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, मतलब एक डेढ़ महीना हो गया इस वीडियो को मैं डाल नहीं पाई। सो मैं बाद में दिखाऊँगी कि क्या हो। अभी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर, तभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। और फिर कल यहाँ से अगले दिन निकलूँगी बनारस के लिए। सो ये देखिए पीछे श्रेया सो गई है और इधर लव जो है बैठ के मस्ती कर रहा है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, एकदम गांव के पास आ चुके हैं अपने, इस तरह से भी कुछ दूरी पे हैं। और ये देखिए फाइनली अपने गांव में हम एंटर कर चुके हैं। चारों तरफ से देखिए कितनी हरियाली हरियाली है इस तरह से। और ये हम लोग गांव से दूसरे रास्ते से खेत के साइड से होकर जा रहे हैं, गांव में थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया, गड्ढा हो गया है, सो ये गाड़ी नहीं जा पाएगी। सो हम लोग ये गांव के बाहर बाहर खेतों से होकर ये रास्ता गया है, तो इस रास्ते से जा रहे हैं। और ये बिल्कुल आ चुके अपने गाँव में हम लोग। अब ये सब खेत दिख रहा है, कितनी हरियाली बढ़िया लग रही है देखने में। अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ पे हो रहा है दक्ष का फ़ोटो सेशन। इसने आज कंप्लीट कर लिया है 3 मंथ का, और ये सारी रही उसकी फ़ोटोज़। लेकिन बेचारा थोड़ी देर बाद रोने लगा, क्योंकि एक दिन पहले इसको लगी थी वैक्सीन इसके जांग में, जिसकी वजह से इसको फीवर आ गया था और काफ़ी रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये देखिए जनरली ये इस तरह से रोता नहीं है, खेलता है, बट बच्चा परेशान था। मैं इसे गोदी में लेकर बैठी हूँ, लास्ट टाइम इतना रोया कि रात में इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, वहाँ से दवा आई, बट उस दवा को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रात तक इसका सब कुछ ठीक हो गया, फिर चुप हो गया था, सो गया था। और काफ़ी सब लोग परेशान हो गए थे कि ये रोता नहीं है, इतना रो रहा है। सो यहाँ पे देखिए शाम को खाने में उस दिन बना था रिगवच, बोलते हैं हमारे यहाँ, मम्मी बना रही हैं, ये हमारे यहाँ सबका फेवरेट है, मायके में भी ससुराल में भी। सो हम लोग आए थे तो यहाँ पर ये बन रहा है और ये काफ़ी टेस्टी होता है, और मम्मी बना रही हैं। पता नहीं ज़्यादा बनाना था, मैंने कहा चलो मैं हेल्प करा देती हूँ, मम्मी बोली नहीं, माँ बेटी साथ में बनाती हैं तो ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए इतनी सारे जो फेटी बोलते हैं इसको, ये बनके तैयार है, बस इसको उबालना है, उबाल के और फिर इसका थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, इसको लपेटने में ही। तो यहाँ पर देखिए फाइनली बन चुका है दाल चावल और ये रिगवच और रोटी। तो मैंने चावल नहीं लिया है, रोटी दाल और रिगवच खा रही हूँ, काफ़ी टेस्टी बना था, एकदम चटपटा सा। और उसके बाद फिर ये उसके नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे देखिए दश अभी फूल से खेल रहा है बुआ के साथ, रात काफ़ी परेशान कर दिया था, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी आ गए बनारस के लिए। तो बनारस जाने से पहले हम रास्ते में जाएंगे गाजीपुर, जहाँ मैं रहती थी वहाँ कुछ लोगों से मिलूंगी। गाजीपुर में अपने पुराने मकान में जहाँ रहते थे, और ये हैं वैशाली मैम, हेलो बहुत सारे वीडियो में हैं मेरे
और ये हमने लगाया था, और देखिए कितना बड़ा हो गया, बहुत खुशी हो रही है देख के। और भी आगे भी लगाए हैं, ये वाला इनके हाथ का लगा हुआ है। और ये देखिए ये सर्प गंधा, ये भी मैंने लगाया था एकदम छोटा छोटा, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन एलोवेरा, ये वाला मनी प्लांट भी मेरा ही लगाया हुआ है। हाँ ये हम लोग लगाए थे। और अभी मैंने कुछ पौधे जैसे सर्पगंधा है, मनी प्लांट है, उसमें से ले लिए हैं ले जाने के लिए, वहाँ ले जाके मैं लगाऊंगी। सो इसको मैं रख लेती हूँ, और इसके बाद और भी लोगों के यहाँ जाना है जिनके अगल बगल में जो हमारे अगल बगल लोग रहते थे उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद जस्ट वैशाली में उनके सामने ये बच्चे रहते हैं, यस और अंश और आंसी, तो इनके साथ बच्चे आगे मिलने के लिए, इनकी मम्मी हैं सोनी आंटी बच्चों की। सो हम लोग यहाँ भी आए मिले, और थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा घंटा सबसे हम लोग मिले जो जिनके साथ हम लोग यहाँ। बाबू अपने माँ के पास आया है। ना शर्मा रहा है। ये है लौकी माल लाओ, इनको माँ बोलता था, बगल में ये भाभी रहती थी हमारी, नेवर हैं तो बहुत प्यार करती थी लौ को। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए हैं, ये हमारी बुआ की बेटी हैं, इनको आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले की वीडियो में, तो ये भी बगल में रहती थी, अब इन्होंने अपना घर बनवा लिया है, तो हम लोग इनसे भी मिलने आ गए। लास्ट में इनसे मिलने एक दो लोगों से और हम लोगों ने बीच में मिला, बस वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। तो इनसे मिलने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे बनारस के लिए, और कुछ और ऑफिशियल काम है मुझे गाजीपुर में, तो वहाँ भी जाना है छुट्टी वगैरह के चक्कर में। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और वहाँ भी हमारा काम हो गया था जाने के बाद, उसके बाद फिर बनारस पहुंच जाएंगे। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं फ्रिज की क्या हालत हुई है। 15 दिनों में हम लोग गए थे 2 दिन के लिए कि फिर आके छुट्टी लेके दोबारा से जाएंगे, लेकिन हम लोग लगातार रुक गए। तो ये देखिए ये अभी जो हमने दिखाया उंगली की चटनी थी, और दही सूख गया था, ये आटे की हालत देखिए क्या हो गई, ये है मलाई दूध की, और ये देखिए अंजीर और बादाम, इसको भिगा के रखा गया था लेकिन ये सूख के दोबारा फिर वैसे ही हो गया पहले जैसा सूखा सूखा। तो ये और ये दूध देखिए, दूध फटा नहीं है 15 दिन होने के बाद भी, लेकिन हाँ उसकी जो मलाई वो गाढ़ी हो गई है, बट दूध वैसे का वैसा ही है। और अभी दिखाते हैं सब्जियों की हालत, ये देखिए सब्जियाँ तो ख़राब हो गई हैं, टमाटर जो है ये आधा गल गया आधा ऐसे ही है, हरी सब्जी जो नेनुआ वो ख़राब हो गया है, बट ये स्प्राउट जो है ना जो का त्यो है थोड़ी भी स्मेल नहीं आई थी ना कोई ख़राब हुआ था। सो ये हालत रही है फ्रिज की। और अभी पौधों के यहाँ चलते हैं, तो ये भी नए नए पौधे मैंने लगाए थे, तो ये देखिए इनकी हालत, मुझे तो लगा कि सब ख़राब हो गए होंगे, बट सभी ठीक हैं। मैंने इसको ना जाने से पहले पानी डाल दिया था और छाए में कर दिया था कि ज़्यादा इसका पानी नहीं सूखे। सो अभी पौधे मेरे ठीक हैं। और ये देखिए ये वाला पौधे का ना ये एकदम रेड रेड पत्तियाँ थी, ग्रीन हो गई हैं, तो थोड़ा सा इसका पानी जो है ये सूख गया है, बाकी सब पौधे मेरे ठीक हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये देखिए जो मैं वहाँ से पौधे सब लेकर आई हूँ, एक एक करके सबको लगाऊंगी। और फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम लोग जाने वाले हैं ट्रिप पर।